भरोसा नहीं होगा कि एक पिता इस कदर दरिंदा हो सकता है। यूपी की राजधानी लखनऊ से ये दिल दहला देने वाली खबर आप देखिए। ये तस्वीरें 2.5 साल की दिव्यांशी और 10 महीने के छोटू की हैं। दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों का कातिल और शख्स है जिसकी उंगली पकड़कर ये दोनों सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते होंगे। दोनों को उसके दरिंदे पिता ने निर्ममता से मार डाला। जब ये दोनों बच्चे सो रहे थे तो अनिमेश ने तकिए से दोनों का मुंह दबाकर मार डाला। जरा आप खुद सुनिए कि कैसे गुस्से की वजह से इस दरिंदे पिता ने दो मासूम की जिंदगी छीन ली। दिल को झकझोर देने वाली ये वारदात लखनऊ के तिलक नगर की है, जहां 40 साल का निमेश अपने बच्चों को लेकर अपने भाई और भाभी के साथ रहता था। वारदात से ठीक पहले बच्चों को लेकर अनिमेश की अपनी भाभी के साथ कहासुनी हुई थी और इसी गुस्से में उसने दो मासूमों को मार डाला। खुद उसी शख्स की जुबानी इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी सुनिए जिसने अपने ही हाथों अपने बच्चों को मार डाला। जिनका नहीं थी पापा गाड़ी निकालो और टंकी दिखाओ पानी दिखाओ, तो हमने उसको डांट दिया, ज्यादा ही डांट दिया। तो भाभी की तरफ से निकल के आई, उन्होंने कहा कि क्यों डांट रहे हो बच्चों को। तो हमने कहा मेरे बच्चे हैं, 7-8 महीने से बाहर आई थी तो उनको भी गुस्सा आ ही गया, हम तो कुछ कहते नहीं हैं, तो ये मतलब ये सब कह रहे हैं। तो अपना वो उन्होंने कहा ठीक है, मैं के जा रहे हैं, वो अपना चली गई होंगी। मैं फिर क्या किया उसके बाद, फिर इसी गुस्से मैंने बच्चों को मारा। कैसे मारा? ना?